झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू ने 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सुदेश महतो सिल्ली से चुनावी मैदान में होंगे, वहीं रामगढ़ से सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में होंगी। लोहरदगा से नीरू शांति भगत चुनावी मैदान में होंगे। गोमिया से लंबोदर महतो को एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है। इसके अलावा अगर जुगसलाई की बात करें तो रामचंद्र सहिस चुनावी मैदान में होंगे। मांडू से निर्मल महतो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। ईचागढ़ से हरेलाल महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा 8वें प्रत्याशी का जिक्र करें तो पाकुड़ से अजहर इस्लाम जो हैं वो AJSU के प्रत्याशी होंगे। आपको बताते चलें कि झारखंड विधानसभा चुनावों में आजसू को NDA फोल्डर में 10 सीटें प्राप्त हुई हैं और इन 10 सीटों में से 8 सीटों पर आजसू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आजसू ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। देखना होगा कि जो 2 अब सीटें आजसू के पास बच रही हैं उन 2 सीटों में कहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, और ये 2 सीटों पर अब निगाहें जो हैं लोगों की टिकी हुई। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन हैं फोनलाइन पर, उनके पास चलेंगे। मदन, आजसू की ओर से पहली सूची जारी हुई है, 8 उम्मीदवारों का इसमें नाम है, 2 और सीटें बचती हैं मदन, ये दोनों सीटें कौन कौन सी हैं और कौन किनकी दावेदारी मजबूत लग रही है दोनों सीटों पर? देखिए, आजसू के खाते में NDA फोल्डर में 10 सीटें गई हैं और जिसमें से कि 8 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कल देर शाम जो है आजसू ने कर दी है। फिलहाल 2 सीटें बची है जिसमें कि एक डुमरी और मनोहरपुर सीट जो है वो बाकी है। दिलचस्प ये है कि डुमरी का चुनाव जो है इस बार काफी महत्वपूर्ण है और जयराम महतो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो के बेटा या फिर उनकी पत्नी बेबी देवी जो है फिर जयराम की तरफ से उम्मीदवार हो सकती हैं, तो ऐसे में आजसू भी अपना उम्मीदवार जो है सोच समझ कर देने में जुट गया है। 2 नाम जो है वहां से आजसू की तरफ से आ रहे हैं सामने, दुर्योधन महतो और यशोदा देवी। तो अब इन दोनों में से किसका चयन होता है ये पार्टी इस पर मंथन कर रही है। खास और साथ ही मनोहरपुर सीट से जो है बिरसा मुंडा जो पहले उनके उम्मीदवार रह चुके हैं उनको ही फिर से एक बार मौका देने पर मंथन जारी है। कई और दावेदार भी सामने आए हैं, तो ऐसे में आजसू अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जो है बहुत जल्द जारी करेगी और ये माना जा रहा है कि इस बार NDA फोल्डर के तहत सभी सीट जो है खाते में लाए जाए, इसलिए गहन चिंतन और मंथन के साथ जो है उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। चलिए, तो NDA फोल्डर में आजसू को 10 सीटें मिली है और 10 सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार आजसू ने तय कर दिए हैं। देखना होगा कि 2 सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, इसके लिए पार्टी मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।